नमस्कार, बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विपक्ष के दावों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा बिल्कुल सुरक्षित है ईवीएम। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ईवीएम को लेकर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने नेता ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए छेड़छाड़ की कोशिश का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की है। वहीं चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के दावों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा गाजीपुर, चंदौली, डुमरियागंज और झांसी में ईवीएम को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है। जिन ईवीएम का मतदान में इस्तेमाल हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित है। गाजीपुर प्रशासन ने भी महागठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के दावों को खारिज किया है। गाजीपुर प्रशासन ने ट्वीट कर कहा ईवीएम को लेकर आशंकाएं निराधार है। ईवीएम 24 घंटे CISF की सुरक्षा में है। उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अपने एजेंट को रखने की अनुमति दी गई है। इस ट्वीट को चुनाव आयोग ने रीट्वीट किया। मालेगांव ब्लास्ट मामला, प्रज्ञा ठाकुर समेत दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दी पेशी से छूट। मुंबई में एक विशेष अदालत ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले के आरोप प्रज्ञा ठाकुर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुरक्षा सुधारकर चतुर्वेदी को अपने समक्ष पेशी से छूट दे दी। विशेष NI अदालत ने जब सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू की तब तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यमों से पेश होने से छूट मांगी। प्रज्ञान और चतुर्वेदी ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव के आगामी परिणाम की तैयारियों में व्यस्त हैं। चुनाव में दोनों उम्मीदवार हैं। पुरोहित ने निजी मुश्किलों का हवाला दिया। अदालत ने उनकी याचिकाएं मंजूर कर ली। अदालत ने मालेगांव में हुए विस्फोट स्थल पर जाने के लिए आरोपियों के वकीलों द्वारा याचिका को भी अनुमति दे दी। इससे पहले मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस की सुनवाई कर रही विशेष NI अदालत ने पिछले हफ्ते सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अपने पक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। उसने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी हुई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा कि उम्मीदवार के तौर पर उन्हें निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, जिसमें 23 मई को उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के लिए अपना एजेंट नामित करना ही शामिल है। विपक्ष के दावों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा बिल्कुल सुरक्षित है ईवीएम। पश्चिम बंगाल, भाटपारा में हिंसा जारी, ट्रेन पर फेंके गए देसी बम। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपारा में लगातार हिंसा जारी है। ट्रेन पर देसी बम फेंके गए जिसके बाद रेल यात्रियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। भाटपारा में कल से ही धारा 144 लागू है। वहीं जानकारी के अनुसार बंगाल के कुछ बिहार स्थित सिताई में पिछली रात हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए TMC कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। चुनाव बाद किसी भी तरह की हिंसक घटना से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के भाटापार में सोमवार को धारा 144 लगा दी गई। लोकसभा चुनाव के साथ ही भाटापारा में विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मित्र का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वे केंद्रीय बल के एक जवान से बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।